हेलो एंड वेलकम माय न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा के एक बहुत ही प्राचीन मंदिर कैलाश टेंपल को देखने के लिए, और इस मंदिर को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं हमारे जिया जी। यह मंदिर आगरा के सिकंदरा रोड के समीप स्थित है। बाकी मंदिर का फुल एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर के बाहर ही आपको कई सारी दुकानें देखने को मिल जाएंगी प्रसाद के लिए। इस मंदिर के बारे में पता करा तो पता चला कि ये कई सौ साल नहीं हजारों साल पुराना मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग के समय का है। आगरा में कैलाश मंदिर में इस मंदिर की प्राचीन कहानी यह है कि भगवान परशुराम और उनके पिता अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि वो हमेशा उनके साथ रहें, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद स्वरूप उनको एक एक शिवलिंग भेंट किया। आशीर्वाद प्राप्त कर जब कैलाश से वो वापस अपने धाम पर लौट रहे थे, तब रात्रि विश्राम के समय उन्होंने शिवलिंग को यहाँ रख दिया, और सुबह जब स्नान आदि कर शिवलिंग को उठाकर आगे जाने का प्रयास किया तो शिवलिंग यहीं स्थापित हो गए और हिले भी नहीं। तब फिर उन्होंने यही सोचा कि यहीं इनको स्थापित किया जाए और विधि विधान से पूजा पाठ की। इसलिए इस मंदिर में दो शिवलिंग है, और शायद ये एकमात्र मंदिर होगा जहाँ भोलेनाथ के दो शिवलिंग एक ही जगह पर स्थापित हैं, और इसीलिए इस मंदिर का नाम कैलाश मंदिर भी पड़ा। और हम लोगों ने भी मिलकर यहाँ भोलेनाथ का अभिषेक किया और साथ में ही पूजा की। और ये रहे नंदी महाराज जो भोलेनाथ के सामने विराजमान है। ये मंदिर यमुना जी के घाट पर ही बना है, तो अब हम लोग जाएंगे यमुना जी का भी दर्शन करने के लिए। चलिए आइए चलते हैं और दर्शन करते हैं। और बताया जाता है कि जब बारिश के दिनों में यमुना जी का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए वो ऊपर तक आ जाती हैं। Thank you.
चौड़ा आएगा भी मुआना बहुत। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत शांति में हुए। अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई, सुबह हमें ग्वालियर के लिए वापस भी निकलना है। हम लोग आ चुके हैं अब आगरा स्टेशन पर और अब हम लोग निकलेंगे ग्वालियर के लिए। बस अभी स्टेशन के अंदर जाते हैं और देखते हैं ट्रेन हमारी राइट समय पे है कि नहीं। अंदर आके पता पड़ा कि हमारी ट्रेन 1 घंटा लेट है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ट्रेन आती है तो फिर हम ग्वालियर के लिए निकलेंगे। इस ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।